यार एसपीआर तो मुझे याद भी नहीं, मैं एक महीने था ना, वो भी उसी का था, वो भी चर्चित राजधानी का था, चर्चित कह रहा है यार। हाँ, मेरे द्वारा आज यहाँ पे एसएसपी बरेली का चार्ज लिया गया है। सर्वप्रथम प्राथमिकता है कि पुलिस के इमेज जो है जनता के बीच वो अच्छी हो। कोई भी अगर जनता का आदमी थाने जाए या हमारे पास आए तो एक तो उसकी सारी बातें सुनी जाए और उसमें जो भी विधिक प्रक्रिया है वो करी जाए और उसके साथ एक अच्छा व्यवहार हो, ताकि एक जो भय है पुलिस का या रहता है, ताकि वो अपनी बात हर मंच पर आके कह सके और उसे न्याय मिल सके। दूसरा है जो महिलाओं या हमारे बच्चियों के साथ क्राइम होते हैं उसमें पुलिस संवेदनशील रहे और उसमें सख्त कार्रवाई की जाए, उसमें एक मैसेज जाए ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो और लॉ एंड ऑर्डर पे सख्त कार्रवाई करी जाए और जनता से एक संवाद किया जाए, मीडिया बंधुओं से हमारा अच्छा व्यवहार रहे। एक हम सब मिल के अगर इस सिस्टम को अच्छा करेंगे तो हमारे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे होंगे और हम लोग सिस्टम को और अच्छा कर पाएंगे। दो कसी की बात किया तो एक के बाद एक थाने में नहीं, इसको मैं अभी समीक्षा करिए, मैंने अपने ऑफिसर के साथ भी बैठा था और कुछ चीज़ें पता भी चली हैं, तो उसको करके और अपने जो भी SHOs हैं उनको भी मोटिवेट किया जाएगा और उनको थोड़ा सा टाइट भी किया जाएगा कि इस तरह की घटनाएं जो हमारे शासन के नियमों के खिलाफ हैं, जो प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकता हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो। सर, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चला था महिला हेल्पलाइन और जो पुलिसिंग थी और लगातार चल रहा था, लेकिन बीच में जो है उसको एकदम साइलेंट मोड में कर दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति अब क्राइम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कि उसको किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, वो सारे सिस्टम जो थे वो अभी भी चल रहे हैं और महिला पावर लाइन थी और एंटी रोमियो स्क्वाड्स बने थे, तो अगर वो एक्टिव नहीं तो उनको फिर से एक्टिवेट कराया जाएगा। और शाम को जैसा कि हर जनपदों में मैं तो देखता ही रहता था कि सब लोग डाल भी रहे हैं, तो पैदल सीनियर ऑफिसर्स भी निकल के अपना क्षेत्र में पैदल मार्च करें और जनता से एक संवाद स्थापित करें ताकि हमें रियल प्रॉब्लम्स पता चल सके और जनता का हमें पूरा सहयोग मिल सके। थैंक यू।